हम सबके मार्ग में कभी ना कभी दुविधा आती है और प्रत्येक दुविधा से उत्पन्न होते हैं कुछ विकल्प। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चयन। हम कैसा भोजन चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नियति हमें द्वंद में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वो उचित है? हाँ या ना? ये चयन भविष्य बदल सकता है। पांचाली, आपसे भूल अवश्य हुई है माता श्री, परंतु इस भूल को मैं नियति समझकर स्वीकार करती हूं। और साथ ही अपने जीवन के लक्ष्य और अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। मैं आपके पांचों पुत्रों से विवाह करूंगी। आज की यह सभा एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई है। मुझे अनुभव होता है कि युवराज दुर्योधन को सम्राट पद पर बिठाने का समय आ गया है। परंतु क्यों महाराज, ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? सबसे बड़ी समस्या समय की है ताच्छरी। कल रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा
जिसमें मुझे आभास हुआ कि मेरे सन्यास का समय निकट है। सम्राट जब सन्यास ले तो उत्तराधिकारी को सिंहासन संभालना ही होता है। बड़ी इच्छा थी कि अनुज पांडु का पुत्र कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर साम्राज्य संभाले, पर नियंदी ने उसे हमसे छीन लिया। युधिष्ठिर के पश्चात मेरा मन अब विरक्त होने लगा है ताचरी, और राजा जब विरक्त हो तो उसे सिंहासन त्याग देना ही उचित होता है। बताइए, क्या मेरा यह निर्णय अनुचित था? क्या युधिष्ठिर के काल कल्वित हो जाने के पश्चात युवराज दुर्योधन को सम्राट पद दे देना अनुचित है? यदि नहीं तो मैं दुर्योधन को सम्राट पद देता हूं। मङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै दत्त्वाय हस्तं विपरेतन् गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरादष्टियथ सः भर्गो अरियमा सविता पुरन्धिर्मयं त्वा दुर्गार्हपत्याय देवः। सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव, अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध करो। मैं आपसे पहली बार मिला वासुदेव, परंतु न जाने क्यों ऐसा लगता है कि आपकी कृपा सदा रही है। हम अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत हैं वासुदेव, आशीर्वाद दीजिए और विदा भी। सहयात्री आशीष नहीं देता, साथ देता है पास। यात्रा तुम्हारी नहीं, हमारी प्रारंभ होने वाली है। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं वासुदेव। अग्नि वायु से विदा नहीं लेती, क्योंकि दोनों का संगम ताप उत्पन्न करता है। जल धारा से विदा नहीं लेता, क्योंकि उसे पुनः धारा से मिलना होता है।
जिन्हें बार बार मिलना है वो विदा नहीं लेते। अर्थात? अर्थात मुझसे विदा ना लो पार, अगले मिलन की तैयारी करो। मेरे जन्म पर आपने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य अर्जुन से विवाह से कहीं अधिक है। आज मुझे यह अनुभव हो रहा है कि वो लक्ष्य निकट है। निकट तो नया युग है सखी, जिसकी आधारशिला तुम्हें रखनी है। एक वचन दे सकते हैं मधुसूदन? बिना जाने वचन कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं ना रहूं, परंतु तुम्हारे साथ सदा रहूंगा। आपका साथ मुझे जीवन की यात्रा पूर्ण करने का साहस देता रहेगा सखा। अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा, इसका क्या तारण है? धरा से उत्पन्न फल को अंततः धरा पर गिरना होता है भुवश्री। प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म अपने परिणाम साथ लाते हैं। समय लगे परंतु वो परिणाम इसी धरा पर इसी जन्म में भोगने होते हैं। आपने भी अज्ञातवास बहुत भोग लिया भुवश्री, अब समय आ गया है कि आपका और आपके पुत्रों का परिचय संसार के समक्ष ले आया जाए। आप चाहते हैं कि हम हस्तिनापुर लौट जाएं? नहीं, हस्तिनापुर चाहता है कि वहां धर्म स्थापना हो। हस्तिनापुर आप सबको पुकार रहा है वो, और धर्म रथ के पांच चक्र आपके पास है। हस्तिनापुर लौटने का समय हो गया है भुवश्री।
पांडव अभी जीवित है और यदि दुर्योधन को सम्राट बनते देखना चाहते तो ये सब किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। ठहरिए महाराज, ये राज्याभिषेक नहीं हो सकता। क्योंकि कुमार युधिष्ठिर अभी जीवित हैं पांडव अभी जीवित हैं। बस कान, ये क्या कह रहे हो तुम? हां मित्र, पांडव जीवित हैं। चाल स्वयंवर में जिस ब्राह्मण युवक ने लक्ष्य भेद किया और मुझसे युद्ध किया वो अर्जुन है। और जिस ब्राह्मण ने वृक्ष उखाड़ कर तुमसे युद्ध किया वो भीम। कर्ण, क्या तुम सत्य कह रहे हो? जी, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि पांडव जीवित है तो दुर्योधन का राज अभिषेक न्याय अनुचित है। ना ही उसे राजपद देना। कैसी बातें कर रहे हैं महामहिम? पांडव जीवित हैं, ये केवल अंगराज का अनुमान है। अनुमान, कोई साक्ष्य नहीं है उनके पास। साक्ष्य कर्ण के शब्द हैं। कर्ण हठी हो सकता है परंतु असत्यभाषी नहीं। कब से महामहिम राजनीति में विश्वास से काम नहीं होता ना? राजनीति में केवल साक्ष्य से काम होता है। महाराज, यदि अंगराज के पास पांडव जीवित होने का कोई साक्ष्य नहीं तो युवराज दुर्योधन का सम्राट बनाने में भी कोई बाधा नहीं। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें मुकुट पहना दें। क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है अंगराज?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.